गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, और अगर नहीं है जनाब तो आज की व्लॉग देख के आप लोग खुशबाश होने वाले हैं। काफ़ी दिन हो गए थे आप लोगों से बातचीत नहीं हुई थी, मैंने सोचा कि चलो आज अपने डेली रूटीन को भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आपसे कुछ चिट चैट भी करती हूँ। आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा थंबनेल देख के कि आज का टॉपिक है क्या भाई। अभी 14 अगस्त के सिलसिले में जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों में जाना हुआ, अपनी कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात हुई तो बड़ा अच्छा लगा, और इस बात की बड़ी खुशी हुई कि आप लोग जो है हमारे काम को जो हम कम्युनिटी के लिए करते हैं उसको बड़ा सराहते हैं। और वो लोग जो अभी मेरे चैनल पे नए हैं उनको जाहिर सी बातें नहीं पता होगा, मैं बेसिकली एक तो ये अपना यूट्यूब चैनल जिसको इस वक्त आपकी वीडियो देख रहे हैं ये रन करती हूँ, उसके अलावा मेरा जो है वो एक देसी मीडिया जर्मनी से भी ताल्लुक़ है जिसमें मैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से काफ़ी जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स उनको दरपेश होते हैं उस हवाले से हम अपने प्रोग्राम्स करते हैं। तो उस सिलसिले में जब मेरा जाना होता है और मैं काफ़ी लोगों से मिलती हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि रिश्ते, अच्छे रिश्ते कहाँ ढूँढे जाएँ। अच्छा, यहाँ पर मुझे लगता है कि रिश्तों की कमी क्यों हो गई, रिश्तों की कोई कमी नहीं हुई है, मसला ये हुआ है कि हमारी डिमांड्स ज़्यादा बढ़ गई हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, हमें अपने हर मेयार से हमें परफेक्ट चाहिए होता है, हम कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होते कि नहीं जी इस मामले में हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कहीं पर अगर हमें कोई चीज़ कमी भी लग रही होती है तो हम सोचते हैं कि नहीं जी हमें बिल्कुल परफेक्ट रिश्ता चाहिए चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, जिसकी बुनियाद पर जो है वो यहाँ पर अच्छे रिश्ते जो कि हर लिहाज से अच्छे भी होते हैं, अगर एक आध चीज़ कमी बेशी होती है तो मेरी नज़र में उनमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, मगर नहीं होता है। ये सबसे बड़ी वजह है जो कि आजकल दरपेश है नौजवान नस्ल को। अच्छा, अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि जवानी में ही ख्वातीन जो होती हैं वो बेवा हो जाती हैं और अपनी पूरी उम्र जो है वो बच्चों के लिए सर्व कर देती हैं कि जी हमने अपनी पूरी जवानी इन पे कुर्बान कर दी। तो मेरा अपना पॉइंट ये है और मैंने ये देखा है कि ख्वातीन अपनी सारे इमोशंस, सारी जो कहते हैं ना जवानी होती है, वो सब की सब बच्चों पे वक्त कर देती हैं, और जब एंड जब उनका कहते हैं ना कि बुढ़ापा आता है तो उस वक्त उनको याद आता है कि जी हमें कोई साथी चाहिए होता है, और ये ज़रूरत होती है, ये चाहे हम कितना भी कहते रहें कि नहीं जी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम अकेले जी लेंगे, हम अकेले हर चीज़ को झेल लेंगे, तो ये सब मैं कहती हूँ ये सब फजूलियात है, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान के लिए इंसान किसी दूसरे इंसान का होना बहुत ज़रूरी होता है, और जब हम बूढ़े होते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमने वो जवानी का जो टाइम अपना गुजार दिया उस वक्त तो हमें पता नहीं लगता, क्योंकि उस वक्त हम भी एक प्रोसेस में चल रहे होते हैं, अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं, मगर बाद में जाके हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि अगर हम जवानी में सही वक्त पर शादी कर लेते तो हमारे साथ भी एक हमारा हमसफ़र होता। अच्छा, अगर देखा जाए तो इस्लाम में, हमारे मज़हब में भी इस चीज़ की बहुत जगह पे तनकीद की गई है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप निकाह करें, कभी कहीं पर भी आप देखें तो ये नहीं कहा गया कि जी बच्चों की वजह से आप निकाह ना करें, ऐसा नहीं है। ये हम लोग ख़ुद अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और अपने आप को समझते हैं कि शायद हमारा माइंड बढ़ जाएगा, हम लोग तकसीम हो जाएंगे और इस वजह से हम शादियाँ नहीं करते हैं। और मैंने ऐसी बहुत सी ख्वातीन को देखा है कि जब वो अधेड़ उम्र में पहुंच जाती हैं या उस एज में जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको एहसास ज़रूर होता है कि हमने सही वक्त पे शादी क्यों नहीं की। और मैं समझती हूँ कि जब इस्लाम ने हमें बार बार इस चीज़ का दर्ज दिया है कि हमें निकाह को आम करना चाहिए तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इसको आसान से आसान तर बनाएं हर उस इंसान के लिए जिसकी निकाह ज़रूरत है, चाहे वो कवारे लोग हों या वो लोग हों जो वो ख़वातीन हों जो कि बेवा हो चुकी हैं, जिनके बच्चों को बाप की ज़रूरत है, जिस औरत को शौहर की और घर वाले की ज़रूरत है, तो उनके लिए हमें निकाह को आसान करना चाहिए और उसको आसान से आसान तर बनाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि इस जगह आप लोगों की राय लेना भी बहुत ज़रूरी है, आप लोग मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह करें कि आप लोग क्या समझते हैं कि क्या शादी को हमें इतना ही मुश्किल बना देना चाहिए जैसे आजकल के हालात में है। और पाकिस्तान में तो आजकल जिस तरह की महंगाई चल रही है वो लोग अच्छी तरह जानते होंगे जो कि पाकिस्तान से मेरी व्लॉग्स देख रहे हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में आजकल तीन तीन
फंक्शंस करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो हमें चाहिए कि अपने इन सब चीज़ों को आसान करें, अपने लिए कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें, चाहे वो आप शादी के मामले में करें, चाहे शादी के ख़र्चों में करें, चाहे अपने जेवरात के ख़र्चों में करें, चाहे आप किसी और काम में करें, मगर हमें ये ख़ुद पता होता है कि कहाँ पर हम एक्स्ट्रा खर्चे कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग क्या समझते हैं कि शादियों को सादा बनाना चाहिए और अपनी रिक्वायरमेंट्स को कम करना चाहिए, और साथ में इस चीज़ को भी तवज्जो देनी चाहिए कि वो लोग जो कि शादियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे हमें निकाह को आसान करना चाहिए।